स्टूडेंट्स एक्सरसाइज टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज टू क्लास फिफ्थ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम स्टेटमेंट बनाएंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन फोर पे थे हम। क्वेश्चन फोर, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट 236,465 वोट्स मोर देन कैंडिडेट बी। एक इलेक्शन में कैंडिडेट ए ने कैंडिडेट बी से 236,465 वोट ज्यादा लिए। इफ कैंडिडेट बी गॉट 43,45,400 वोट्स, हाउ मेनी वोट्स डिड कैंडिडेट ए गेट। अगर कैंडिडेट बी को कितने वोट मिले हैं, 43,45,400, ठीक है, इतने वोट मिले हैं। तो कैंडिडेट ए को कितने मिले, कैंडिडेट ए को जो ज्यादा वोट कैंडिडेट बी से ज्यादा मिले वो हमें बताए गए हैं, ठीक है, इतने तो मिले ही हैं, इतने ज्यादा मिले हैं। तो कैंडिडेट ए के टोटल वोट कितने होंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। स्टेटमेंट बनेगी कैंडिडेट बी गॉट वोट, कैंडिडेट ए गॉट मोर वोट्स, कैंडिडेट ए को ज्यादा वोट कितने मिले हैं, एंड सो कैंडिडेट ए गॉट वोट्स। तो कैंडिडेट ए के कितने वोट होंगे, दोनों का प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो कैंडिडेट ए के वोट होंगे। क्वेश्चन फाइव, 27,51,650 बॉयज एंड 18,42,725 गर्ल्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में 27,51,650 बॉयज और 18,42,725 गर्ल्स अपीयर हुए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जाम में वो निकालना है हमें, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, कितने बॉयज हुए, बॉयज अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन 27,51,650, गर्ल्स अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन 18,42,725। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम, इसका हम टोटल वर्ड आया है ना, तो प्लस कर देंगे, इसका प्लस करके आंसर निकाल देंगे। आंसर के साथ में आप क्या लगाएंगे, स्टूडेंट्स यहां आंसर के साथ क्या लगाएंगे, वोट्स। क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन सिक्स मैंने यहां आपको करवाया नहीं है, स्टेटमेंट आप खुद बना के दिखाएंगे मुझे, मैं एक्सप्लेन करूंगी ओनली, उसके बाद आप खुद स्टेटमेंट बनाएंगे। मिस्टर बजाज बॉट ए हाउस फॉर 34,25,600 रुपीज एंड कंप्यूटर फॉर 46,450 रुपीज, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। मिस्टर बजाज ने एक घर खरीदा 34,25,600 रुपीज में और एक कंप्यूटर खरीदा 46,450 रुपीज में, तो बताओ टोटल उसने कितनी मनी खर्च करी, स्पेंड इन ऑल। इन ऑल वर्ड जहां आएगा वहां हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो आप इन दोनों का क्या करेंगे, प्लस। स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे मैंने इसमें शो नहीं की है, आपको खुद बनानी है, ओके। तो आप स्टेटमेंट बनाएंगे, मिस्टर बजाज बॉट अ हाउस एंड बॉट अ कंप्यूटर, इस तरह से स्टेटमेंट बना के फिर स्पेंड टोटल मनी स्पेंड बाय मिस्टर बजाज, इस तरह से स्टेटमेंट बना के आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन सेवन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 24,50,172। फाइंड द बिगर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 15,28,978। दो नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है कि दो नंबर का डिफरेंस 24,50,172 है। अब हमें बड़ा वाला नंबर निकालना है और छोटा वाला नंबर दिया हुआ है 15,28,978। तो हमें क्या करना होगा, दो नंबर्स का डिफरेंस आ गया और छोटा वाला नंबर आ गया और बड़ा नंबर निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से देखिए, मान लीजिए छोटा वाला नंबर, दो नंबर्स का डिफरेंस है 4 और छोटा वाला नंबर है 5, तो बड़ा नंबर क्या होगा, बड़ा नंबर इन दोनों को प्लस करने पर 9 आएगा, 9 में से हम 5 माइनस कर देंगे छोटा नंबर, तो डिफरेंस क्या आ गया, 4। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है, इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारे पास बड़ा वाला नंबर बिगर नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन एट, नितिन टेक्स अ लोन ऑफ 35,50,000 फ्रॉम ए बैंक टू बाय अ हाउस
नितिन ने एक लोन लिया 35,50,000 रुपए का एक घर खरीदने के लिए. इफ ही हैज टू पे 5,55,000 फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, अगर उसे 5,55,000 रुपीज अपनी जेब से, खुद की जेब से देने पड़े, हाउ मच डज द हाउस कॉस्ट, तो घर की कॉस्ट कितनी पड़ी उसको, तो हम क्या करेंगे, उसने बैंक से भी रुपए लिए और कुछ रुपए उसने अपनी पॉकेट से दिए, यानी कि खुद के पास से दिए, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो घर की कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से इसकी स्टेटमेंट बनाओगे. नितिन टेक्स लोन फ्रॉम बैंक 35,50,000. नितिन पेड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट 5,55,000 टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस. अब यहां हम इसका प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नाइन का पहले क्वेश्चन सुनिए, एक्सप्लेन कर रही हूँ. विनय परचेज ए कार एट द शोरूम प्राइस ऑफ 15,85,200 रुपीज. विनय ने एक कार खरीदी शोरूम प्राइस पे, शोरूम प्राइस था कितना था 15,85,200 रुपीज. ठीक है, ही स्पेंट 35,955 ऑन एक्सेसरीज, और कार में जो एक्सेसरीज लगती हैं उनके ऊपर कितने रुपए लग गए उसके, 35,955 रुपए लग गए. और एंड पेड 55,260 ऑन रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस एंड टैक्स. रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस और टैक्स के कितने रुपए लग गए उसके, 55,260 रुपए उसके इन सब चीजों के लग गए. व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ही हैड टू पे फॉर द कार, तो बताइए उसको कार की टोटल कितने रुपए अमाउंट पे करनी पड़ी कार की. तो अब इस तरह से इसकी स्टेटमेंट हम यहाँ बना लेंगे. विनय परचेज्ड ए कार 15,85,200 रुपीज. ही स्पेंट ऑन एक्सेसरीज 35,955. He spent on registration and tax 55,260 rupees. Total money paid for car. तो कार के लिए टोटल कितना मनी देना पड़ा इसका हम आंसर यहाँ पे निकाल देंगे. यहाँ रुपीज का आप साइन दीजिएगा और प्लस कर दीजिए. ठीक है, देखिए आप डिजिट्स के नीचे डिजिट लिखी है मैंने, तो आपको एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आप ये 35 यहाँ लैक्स के नीचे लिख देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. 1000 की डिजिट 1000 के नीचे, 10,000 की डिजिट 10,000 के नीचे, लैक की अगर कोई डिजिट नहीं है तो ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए और उसका एडिशन कीजिए. इन सब चीजों का एडिशन करते वक्त आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट प्लेस करेंगे तो ही आपका आंसर सही आएगा. ओके, दैट्स ऑल.